चलो बच्चा एक और नया सम, ये सम में हम इन्फॉर्मेशन क्या दे के रखा हुआ है, तो ये सम में इन्फॉर्मेशन हमें दिया हुआ है इंडिपेंडेंट ब्रांच की इन्फॉर्मेशन है। तो आप यहाँ पे सबसे पहले ये जो सम है वो FI BCOM सेमेस्टर वन में ब्रांच अकाउंट जो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी 2014 में आया हुआ सम है। ऐसे इससे पहले हमने दो सम किए हुए हैं, वो देख लिया है तो ही आगे बढ़ना बच्चा, क्योंकि ये थोड़ी स्पीड लगेगी आपको सब्जेक्ट टू आपने पहली बार कर रहे हो तो। चलो बच्चा तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन क्या दे के रखा हुआ है, तो यहाँ दिया हुआ है हितेश ट्रेडर ऑफ अ गांधीनगर हैज़ अ इंडिपेंडेंट ब्रांच एट वलसाड फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ द ब्रांच ऑन 31/3/2013 हमें दिया हुआ है। सबसे पहले ब्रांच अकाउंट, ये इंडिपेंडेंट वर्ड आता है, इसका मतलब आपको वो क्लियर कर देना है कि सर यहाँ पे फाइनल अकाउंट वर्ड लिखा होगा या ऐसा बोला होगा ट्रेडिंग PNL बैलेंस शीट एंड HO अकाउंट बनाना इन द बुक्स ऑफ ब्रांच। तो सबसे पहले बच्चे यहाँ पे देखते हैं, फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट ऑफ वलसाड ब्रांच। तो यहाँ पे ये बोला हुआ है, सबसे पहले बच्चा आप देखोगे हमारा ईयर एंडिंग कब है, तो आप बोलोगे सर हमारा ईयर एंडिंग है 31/3/2013, तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट में लिख देंगे 31/3/2013, तो ये हमारा पॉइंट हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट बच्चा जो ध्यान में रखना है वो क्या है, तो बच्चा सबसे पहला पॉइंट हमें जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से लिखना शुरू करता है। ये देखो 1/4/2012 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है बच्चा 1/4/2012। यहाँ पे आप बोलोगे सर ये दिया हुआ है 50,000, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा क्या है ओपनिंग स्टॉक है क्या बच्चा, तो ओपनिंग स्टॉक तो आप बोलोगे सर ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखते जाएंगे एक एक चीज़, तो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड तो ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे आप लिखोगे ओपनिंग स्टॉक अकाउंट जहाँ पे है 50,000। ये हम ट्रायल बैलेंस की इफेक्ट दे रहे हैं, तो आप बोलोगे सर एक एक इफेक्ट ही आएगी जो आपको ध्यान में रखना है। सेम वे बच्चा आप बोलोगे सर अब परचेज एंड सेल, तो बच्चा बोलेगा सर परचेज ऑलवेज डेबिट होता है और जो सेल्स होगा वो ऑलवेज क्रेडिट होता है, ध्यान में रहेगा। तो परचेज में अमाउंट आप बोलोगे सर 2,24,000, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ पे परचेज में हम लिखेंगे 2,24,000 और सेल्स में बच्चा आप बोलोगे सर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे सम चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे बच्चा आप बोलोगे सर 2,24,000 हमारा हो गया और परचेज में हो गया, अब आप बोलोगे सर सेल्स में लिखोगे तो सेल्स में बच्चा हम कितना लिखेंगे 4,80,000, कितना बच्चा 4,80,000, तो ये भी हो गया। उसके बाद बच्चा आप यहाँ पे अब दिया हुआ है गुड्स रिसीव फ्रॉम HO, तो यहाँ पे है 1,64,000, तो HO से हमें गुड्स मिला है, तो यहाँ पे पहले परचेज रिटर्न होगा तो हम लिखेंगे, नहीं होगा तो डैश लगा के आउटर कॉल, यहाँ पे लिखेंगे गुड्स सेंड टू HO, जो आप बोलोगे सर HO को गुड्स कितना सेंड किया है, तो आप बोलोगे सर गुड्स सेंड टू HO नहीं, गुड्स सेंड बाय HO, HO ने सेंड किया है बाय HO, कितना सेंड किया है, तो आप बोलोगे सर 1,64,000, और दूसरा बच्चा बोल देगा रिटर्न भी नीचे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न, तो यहाँ पे 14,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,50,000, तो ये पॉइंट भी हो जाएगा बच्चा। यहाँ पे आपको दिया हुआ है गुड्स रिटर्न, तो वो हो जाएगा 14,000। आई होप बच्चा आपको ये समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं बच्चा, परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न, तो परचेज रिटर्न आप बोलोगे सर ऑलवेज क्या होगा, तो परचेज ऑलवेज डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड पे, सेल्स रिटर्न आप बोलोगे सर डेबिट साइड पे, तो परचेज रिटर्न हमारा 4,000 है, वो हम यहाँ पे इफेक्ट डाल देते हैं, तो परचेज रिटर्न हम 4,000, आउटर कॉलम 2,20,000, और आप बोलोगे सर यहाँ पे सेल्स रिटर्न है, तो आप बोलोगे सर सेल्स रिटर्न कितना है, तो सेल्स रिटर्न हमारा है 8,000, तो यहाँ पे हो जाएगा तो 4,72,000 हमारा सेल्स रिटर्न आ जाएगा, और मतलब नेट सेल्स आ जाएगा। तो बच्चा इतना होने के बाद यहाँ तक आपको स्पीड नहीं लगनी चाहिए, रीज़न बहुत सिंपल है, मैं मान के चलता हूँ आपने आगे का सारा पॉइंट डिटेल में दिया समझा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बच्चा चलो आगे चलते हैं, तो यहाँ पे अब आ गया हेड ऑफिस अकाउंट जो ऑलवेज क्रेडिट साइड पे है, तो 1,24,800 हमारा HO अकाउंट ऑलरेडी हमने बनाया है, तो 1,24,800 हमने लिख दिया। ये पॉइंट आपको समझ में आया बच्चा, क्रेडिट बैलेंस था इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। जैसे ही ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, तो अब हमारा आ जाएगा यहाँ पे
डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, तो आप बोलोगे सर डेटर्स क्रेडिटर यहाँ पे दिया हुआ है कितना, तो आप बोलोगे सर डेटर्स क्रेडिटर ऑलवेज डेटर्स डेबिट साइड पे होता है और क्रेडिटर जो होता है हमारा क्रेडिट साइड पे होता है। तो डेटर्स का डेबिट बैलेंस कितना है 1,12,000, यहाँ पे कितना लिखेंगे, तो डेटर्स का आप बोलोगे असेट साइड पे हम लिखेंगे, तो यहाँ पे डेटर्स असेट साइड पे तो डेटर्स लिखा और यहाँ पे आप बोलोगे सर क्रेडिटर लिखा। डेटर्स हमने बोला था 1,00,000, कितना बोला था बच्चा 12,000, तो यहाँ पे हो जाएगा 1,12,000 और क्रेडिटर हमारा 64,000, कितना है बच्चा 64,000। तो ये हमारा पॉइंट ख़त्म। इसके बाद बच्चा अब हम आगे जा सकते हैं, तो ये हमारा पॉइंट में आएगा कैश एंड बैंक बैलेंस। तो कैश एंड बैंक बैलेंस दोनों डेबिट साइड पे 72,000 कंबाइन दिया हुआ है, कंबाइन दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर इसके अकॉर्डिंगली हम लिखेंगे, तो यहाँ पे कैश एंड बैंक असेट में आएगा, तो यहाँ पे कैश एंड बैंक, तो यहाँ पे सबसे पहले आप बोलोगे सर कैश एंड बैंक जो होगा 72,000 हमारा आ जाएगा। आई होप बच्चा आपको ये बेसिक एंट्री सारी क्लियर है, तो कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं वाली है, आपको इजीली समझ में आ ही रहा होगा। इसके बाद बच्चा सैलरी रेंट डिस्काउंट तीनों तीन डेबिट साइड पे, अब देखो यहाँ पे डिस्काउंट दो दिए हुए, एक डेबिट साइड पे एक क्रेडिट साइड पे, तो ये डिस्काउंट रिसीव कैटेगरी आ जाएगा और ये डिस्काउंट अलाउ में आ जाएगा। आई होप बच्चा आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा है, ये पॉइंट ध्यान में रखना। तो सैलरी रेंट एंड डिस्काउंट तो तीनों चीज़ हम लिखना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे पीएनएल अकाउंट में आएगा, तो सबसे पहले आप बोलोगे सर सैलरी, देखो बच्चा आपको दिखे इसलिए हम प्रॉपर लिख रहे हैं, यहाँ पे सैलरी आप बोलोगे सर 54,000। अब सैलरी में बच्चा बोलेगा सर आप खड़े रहो, उससे पहले आपको लास्ट में एक एडजस्टमेंट है, तो हमने यहाँ पे 54 लिख दिया लेकिन इनर कॉलम लिखा, एडजस्टमेंट आएगा तब हम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप बोलोगे सर रेंट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो रेंट में जेन्युइनली कोई एडजस्टमेंट है भी नहीं, सही है परफेक्ट, तो रेंट में नहीं है तो वो हो जाएगा 12,400। और बच्चा आप बोलोगे सर डिस्काउंट अलाउ, तो डिस्काउंट अलाउ जो हमारा है कितना है बच्चा, तो डिस्काउंट अलाउ है 14,800। तो ये हो गया। अब बच्चा यहाँ पे जैसे ये पॉइंट आता है तो यहाँ पे आप बोलोगे बाय, आप यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम है, क्रेडिट बैलेंस साइड दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर 17,200। इसके साथ बच्चा हमने यहाँ पे इफेक्ट डाल दी तीन चीज़ों की, ये पॉइंट समझ में आ रहा है बच्चा, ये तीन चीज़ ख़त्म हो गई। अब बच्चा आप बोलोगे सर फ्रेट एंड कैरेज जो 8,800 दिया हुआ है और सन्ड्री इनकम जो इनकम में पीएनएल अकाउंट में आ जाएगा और ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगा, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये पॉइंट क्लियर है ट्रेडिंग अकाउंट आते ही, तो ये पॉइंट में हम सबसे पहले यहाँ लिखते जाते हैं, सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखेंगे, फ्रेट एंड इंश्योरेंस, तो यहाँ पे फ्रेट एंड कैरेज है, तो फ्रेट एंड कैरेज जो आप शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिख सकते बच्चा, आपको वो ध्यान में रखना है, वो ऑलवेज आपको प्रॉपर सिस्टमेटिकली अपने फुल वर्ड में लिखना है तो ही मार्क मिलेंगे। और लास्ट में सन्ड्री इनकम दी गई है, तो सन्ड्री इनकम तो आपको वो ध्यान में रखना है, तो सन्ड्री इनकम है 16,000 क्रेडिट साइड पे दिया है, इसलिए हमारी इनकम भी होगी और नाम में भी इनकम लिखा हुआ है, वो बात भी क्लियर है। अब बच्चा ये एडजस्टमेंट आना शुरू, तो हर एक एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट हम लिखते जाएंगे। पहला एडजस्टमेंट हमारा क्या है बच्चा, तो यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट स्टॉक ऑफ गुड्स वाज वैल्यूड एट 1,28,000 ऑन 31st 3 2013। इसका कहने का मतलब ये सर क्लोजिंग स्टॉक है, कौन सा स्टॉक है बच्चा, क्लोजिंग स्टॉक है, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले लिखा क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है बाय क्लोजिंग स्टॉक और ऑलवेज ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आता है बच्चा, और आप बोलोगे सर 1,28,000 और दूसरा आप बोलोगे सर यहाँ पे आप बोलोगे सर ब्रांच बैलेंस शीट में, तो यहाँ पे आप बोलोगे स्टॉक वर्ड लिख दो क्लोजिंग स्टॉक, तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक 1,28,000, तो ये पॉइंट हमारा हो जाएगा। इसके बाद बच्चा हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो कौन सा है, तो यहाँ पे अभी ध्यान रखना है थर्ड एडजस्टमेंट जो दिया हुआ है गुड्स ऑफ ₹16,000 सेंड बाय हेड ऑफिस ब्रांच वेर रिसीव बाय ब्रांच 1,44,2013। अब बच्चा बोलेगा सर ये गुड्स वाला है, गुड्स कभी भी हमारे में नहीं आता,
गुड्स कभी भी हमारे में नहीं आएगा। लॉजिक बहुत सिंपल है, हमें कैश इन ट्रांजिस्ट ही लिखना होता है, कभी भी गुड्स इन ट्रांजिस्ट नहीं लिखना होता है, वो ध्यान में रखना है। तो ये आएगा लेकिन हेड ऑफिस के अकाउंट में आएगा, हमारे अकाउंट में नहीं आएगा। 5 मिनट में आओ, तो वो सबसे पहले यहाँ पे आपको वो ध्यान में रखना है। उसके बाद फोर्थ है कैश अमाउंटिंग टू 20,000 रेमिटेंस बाय द ब्रांच टू एचओ ऑन 28/3/2013 वॉज रिसीव्ड बाय एचओ ऑन 1/4/2000। देखो तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान क्या रखना है, 20,000 का हमने क्या कैश रेमिटेंस किया है। तो आप बोलोगे सर ये कैश इन ट्रांजिट जो ब्रांच अकाउंट में आएगा, सबसे पहले लॉजिक क्लियर होना चाहिए, हमने कैश सेंड की है, एचओ को अभी तक मिली नहीं है, तो एचओ अकाउंट में क्रेडिट साइड और दूसरी एंट्री असेट में आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पे आप बोलोगे सर कैश इन ट्रांजिस्ट कितना है, तो बच्चा आप बोलोगे सर वो है 20,000। और दूसरी एंट्री जो आपको ध्यान में रखनी है, यहाँ पे रेमिटेंस इन ट्रांजिस्ट लिखो या कैश इन ट्रांजिस्ट, जो होगा 20,000। अब बच्चा बोलेगा सर आपने एक एडजस्टमेंट बीच में रह गया करने का, वो है सेकंड एडजस्टमेंट, तो वो कर लेते हैं। जहाँ पे बोला हुआ है अनपेड सैलरी अमाउंटिंग ₹6,000 ऑन 31/3/2013, तो ये बोल दिया है तो हम सीधा इसकी इफेक्ट डालेंगे, सैलरी में प्लस हो जाएगा और हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी 6,000 से एज अ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पीएनएल अकाउंट में आएंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, और आप बोलोगे सर 6,000 लिखो और टोटल हो जाएगा हमारा 60,000। और आप बोलोगे सर 6,000 एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट आएगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लायबिलिटी साइड, यहाँ पे तो यहाँ पे लायबिलिटी लिखेंगे, लायबिलिटी में 6,000, तो ये पॉइंट हमारा आ जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारा ये एडजस्टमेंट भी ख़त्म। अब आया हमारा लास्ट एडजस्टमेंट जो फर्नीचर रिलेटेड है, जहाँ पे बोला हुआ है द फर्नीचर अकाउंट ऑफ अ ब्रांच इज मेंटेन इन द बुक्स ऑफ एचओ। क्या लिखा है बच्चा, एचओ, एचओ में एक बुक्स में ये हम मेंटेन कर रहे हैं, तो वो ध्यान में रखना है। इसकी दो इफेक्ट आएगी और ये 7200 इज टू बी रिटर्न ऑफ इन डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो फर्नीचर तो हमारे पास है नहीं, तो आप बोलोगे सर इसकी सिंपल दो इफेक्ट आपको डालनी है। पहले आएगा पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पे, क्या लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, और अमाउंट कितनी होगी बच्चा, तो आप बोलोगे 7200। और यहाँ पे ध्यान में रखना है दूसरी इफेक्ट, यहाँ पे आपको लेना पड़ेगा एचओ अकाउंट में, यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, जो हमारा 7200 आ जाएगा। इसके साथ बच्चा हमारा सारा एडजस्टमेंट ख़त्म हो गया है। तो आप प्रॉपर सिस्टमेटिकली एक एक चीज़ का टोटल करते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहला आपको देखने के लिए एक बार क्लियर करवा दो, कोई एडजस्टमेंट हमारा बाकी नहीं रहा। तो देखो बच्चा हमारा सारा ये एडजस्टमेंट ख़त्म, अब प्रॉपर आपको सिस्टमेटिकली टोटल करना है। तो बच्चा आपने टोटल कर लिया है, चलो तो सबसे पहले हम ओके चलो बच्चा तो टोटल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टोटल हम लिखेंगे 6 लाख, सेम टोटल हम यहाँ पे लिखेंगे। तो बच्चा डिफरेंस कितना आएगा ग्रॉस प्रॉफिट, 1,71,200, जिसमें हम वर्ड क्या लिखेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या लिखेंगे बच्चा, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट और यहाँ पे 1,71,200, ये हमारा पीएनएल अकाउंट है बच्चा, आपको ये समझ में आ गया होगा। टोटल अब बोलो यहाँ का कितना होगा बच्चा, 2,04,400, और यहाँ पे हम लिखेंगे 2,04,400, और डिफरेंस कितना आ जाएगा बच्चा हमारा, 1,10,000। और आप बोलोगे सर यहाँ पे आपको वो लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेट प्रॉफिट और वर्ड लिख सकते हैं ट्रांसफ़र टू एचओ अकाउंट, ये हमने आगे के समय नहीं लिखा था, यहाँ लिखोगे तो और प्रॉपर रहेगा, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी हेड ऑफिस में 1,10,000 हम लिख देंगे। तो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है बच्चा, 2,62,000, ये हमारा आ जाएगा, और सेम वे 2,62,000, और यहाँ पे आप बोलोगे बैलेंस कैरिड डाउन 2,62,000। तो ये ध्यान में रखना है, कई बच्चे कमेंट में पूछेंगे उससे अच्छा हम प्रॉपर लिख दें। तो यहाँ पे बच्चा हो जाएगा एचओ अकाउंट 2,62,000। अब बच्चा हमारा टोटल कर सकता है, तो यहाँ पे टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, 3,32,000,
यहाँ पे होगा असेट्स लायबिलिटी साइड, तो यहाँ पे भी 3,32,000 होना चाहिए जो हमारा हो रहा है आ गया। तो इसके साथ बच्चा हमारा थो ये सम ख़त्म हो गया। कई बच्चों को ये स्पीड में लगा होगा क्योंकि बच्चा ये तीसरा सम है, आपने आगे के सम नहीं देखे तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा वो भी देख लेना, तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए।